वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। हेलो, आई एम शाइन एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ 7-day मदर एंड डॉटर कुकिंग चैलेंज। सो शाइन, व्हाट आर वी गोइंग टू मेक टुडे? वी आर गोइंग टू मेक मैक एंड चीज। वाओ, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Here I have 1 cup of pasta, so we are going to boil it. In this we are going to add a little bit of salt and a bit of oil. I'm using cooking oil. तो बस पास्ता को हमने बॉईल होने के लिए रख देना है। देखिए पास्ता हमारा अच्छे से बॉईल हो गया है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। तो मैंने इसे चलनी में निकाल लिया है और इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा ठंडा पानी। तो बस इसे हम रख देंगे साइड में। अब हम बनाएंगे इसके लिए वाइट सॉस। तो एक पैन में मैंने लिया है बटर। वाइट सॉस बटर में ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो आप इसे बटर में ज़रूर बनाएं। तो देखिए बटर हमारा अच्छे से पिघल गया है। अब इसमें मैंने 3 टेबलस्पून मैदा डाला है। मैदा डालकर हमें इसे अच्छे से भून लेना है। अच्छे से चलाते रहेंगे और भून लेंगे। तो देखिए मैदा हमारा अच्छे से भून गया है। मैंने गैस को बंद कर दिया है और इसमें धीरे धीरे अब हम डालेंगे दूध। तो थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें दूध डालना है। तो मैंने 3 कप दूध लिया है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध डालेंगे और इसे हिलाते रहेंगे, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाती है। और गैस को मैंने बंद ही रखा है। तो देखिए इस तरह से अच्छे से जब हमारा मैदा दूध के साथ मिक्स हो जाएगा तब हम गैस को ऑन कर देंगे। तो बस इसको हमने अच्छे से गाढ़े होने देना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ओरिगेनो, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, थोड़ी सी काली मिर्च और साथ में डाल देंगे इसमें चीज़। मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है, आपके पास जौन सा भी चीज़ है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें मिक्स हर्ब्स भी डाल सकते हैं। तो बस सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए वाइट सॉस बनकर रेडी हो गई है और गाढ़ी भी हो गई है। तो अब हमने जो पास्ता बॉईल करके रखा था वो हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरी और भी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा जायफल भी डाला है। तो जायफल को मैंने हल्का सा ग्रेट कर लिया था और थोड़ा सा ही डालेंगे, पिंच ऑफ जायफल, ज़्यादा नहीं डालना है। तो देखिए हमारा वाइट पास्ता बनकर रेडी हो गया है। तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं और इसके नहीं तो आप इस तरह से एक बेकिंग ट्रे ले लें। तो उसमें पास्ता को डालेंगे और उसके ऊपर हम डालेंगे चीज़। तो मैंने चीज़ को ऊपर से ग्रेट कर दिया है, थोड़ा सा ओरिगैनो डाल देंगे और थोड़ा सा ही चिली फ्लेक्स डाल देंगे और इसे अब हम करेंगे बेक। तो आप इसे ओवन में भी बेक कर सकते हैं। तो मैंने इसे एयर फ्रायर में किया था। और इसे हमने 200 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए बेक करना है। और टेम्परेचर आप अपने ओवन के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास ओवन या एयर फ्रायर नहीं है तो आप इसे गैस पर भी बना सकते हैं। तो उसके लिए एक कटोरी में आप इस तरह से जैसे ही पहले हमने पास्ता डाला फिर चीज़ डाला और ऊपर थोड़ा सा ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स डाल देंगे। और इस तरह से एक कोई बड़ा सा बर्तन ले लें, उसमें मैंने थोड़ा सा नमक रख दिया था नीचे और एक स्टैंड रख देंगे और जो कटोरी है उसे रख देंगे और उसे हमने ढक देना है अच्छे से। और उसके ऊपर हम मैंने एक भारी सी चीज़ रख दी है ताकि जो हीट है वो बाहर ना निकले। तो बस इसे भी हमने 10 मिनट के लिए रख दिया था। तो इधर देखिए हमारा एयर फ्रायर में जो पास्ता है वो अच्छे से बन चुका है और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी बना था। आप इसको ज़रूर बना कर देखिएगा, आपके बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए इसे भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए जो हमने गैस पर भी रखा था ये भी अच्छे से बन चुका है, कलर कितना अच्छा आया है। तो आप इसे गैस पर भी बना सकते हैं। तो ये लीजिए बनकर रेडी है हमारी मैक एंड चीज। तो चलिए इसे ट्राई करते हैं। दिस इज वेरी टेस्टी। ये बहुत क्रीमी है और बहुत चीज़ी है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।